हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लाया हूँ जॉन डियर 5310 हार्वेस्टर। आप देख सकते हैं हार्वेस्टर है, इसका जो क्लच है क्लच पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इसलिए खेत में ही गाड़ी रुक गई। आप देख सकते हैं खेत चारों तरफ में धान है, धान है। अभी ये गाड़ी को हम खोलेंगे, किस तरीके से आप देख सकते हैं इसका क्लच जो है एकदम, ये देख सकते हैं जो पैडल है एकदम फ्री हो चुका है। ये देख सकते हैं एकदम काम नहीं कर रहा है क्लच में, देख सकते हैं। देखो गाड़ी है, गाड़ी को हम क्लच प्लेट अलग करेंगे ऊपर ही बैठ के। अब देख सकते हैं कितना ऊपर है गाड़ी, दोपहर भी इसको नीचे नहीं उतारेंगे, कहीं खोल के क्लच प्लेट इसको बदल देंगे। अब जो फिंगर है, फिंगर और जो रिलीज बेरिंग वो खराब हो चुका है। किस तरीके से हम खोलेंगे स्टेप बाई स्टेप आपको वीडियो दिखाएंगे पूरा, किस तरीके से इसको खोलना है। देखिए दोस्तों, हालांकि मैंने गाड़ी को पूरा बाहर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं अभी जो इसका रिलीज बेरिंग है आप देख सकते हैं पूरा खराब हो चुका है। दोनों इसका फिंगर भी खराब हो चुका है। हम क्लच प्लेट को उतारेंगे, उतर के जो इसका सामान है सामान डालना है। देख सकते हैं इसके फिंगर जो है खराब हो चुका है, पूरी तरीके से पूरा घिस गया है। ये सब हम बाहर निकालेंगे, नया डालेंगे। ये जो रिलीज बेरिंग है अब देख सकते हैं खराब हो चुका है, इसका दो लॉक खोलना है। एक लॉक, दो लॉक खोलने से ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, देख सकते हैं ऑटोमेटिक करने से बाहर आ जाता है। देख सकते हैं इसका रिलीज बेरिंग खराब हो चुका है, इसी तरीके से रिलीज बेरिंग खोलेंगे और फिंगर को बदल देंगे। इसको खोलने के लिए जो चेसिस है जैग नहीं लगता है, चेसिस में खोलना पड़ता है गाड़ी। देखिए दोस्तों, ये जो प्रेशर प्लेट है ये बोल्ट जो है मैंने निकाल दिए हैं, अभी प्रेशर प्लेट खींचने से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं प्रेशर प्लेट को निकालेंगे, अभी देख सकते हैं प्रेशर प्लेट में स्प्रिंग है, देख सकते हैं जो फिंगर का स्प्रिंग है, एक वॉशर है, तीन ठो स्प्रिंग, तीन वॉशर, अभी इसको पलट देंगे। पलटने के बाद जो फिंगर है फिंगर निकालेंगे बड़ी आसानी से, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो एक तो राड है मेरे हाथ में, राड से थोड़ा हल्का हथौड़ी से मारने से जो लॉक है देख सकते हैं जो निकल जाएगा लॉक। फिंगर बाहर, सब फिंगर इसी करके निकलना है, जैसे छह फिंगर है छह का छह बदल देंगे। छह खराब हो चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं। अभी पूरा खाली फिंगर ही बदलना है, क्लच प्लेट इसका सही है, क्लच प्लेट हालांकि नहीं बदलेंगे। और जो रिलीज बेरिंग आप देख सकते हैं पूरा रिलीज बेरिंग खराब हो चुका है इसका, दोनों का दोनों खराब हो चुका है। देख सकते हैं रिलीज बेरिंग का कॉलर है, रिलीज बेरिंग दोनों खराब हो चुका है, दोनों रिलीज बेरिंग हम बदल देंगे।
देखिए दोस्तों, ये जो सामान है हम नया लगाते टाइम आपको दिखाएंगे वीडियो, और गाड़ी स्टार्ट करके चालू करके भी दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हालांकि मैंने पूरा सामान मंगा लिए है शोरूम से, आप देख सकते हैं। ये सामान है क्लास फोर, इसका पार्ट नंबर है RE फिंगर, इसका पार्ट नंबर है RE198321 फिंगर पार्ट नंबर। एक रिलीज बेयरिंग फिंगर का, PTO फिंगर रिलीज बेयरिंग RE17314। एक क्लास फॉर्क SU24160। एक सिलू, एक क्लास सिलू, इसका पार्ट नंबर है R141076। दूसरा रिलीज बेयरिंग छोटा वाला, इसका पार्ट नंबर रिलीज कॉलर, इसका पार्ट नंबर है R141619। रिलीज बेयरिंग छोटा, पार्ट नंबर है R117315। ए PTO फिंगर, इसका पार्ट नंबर है RE198309। अभी इसको हम सेट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लास फिंगर है, इसको सेट करेंगे थोड़े ग्रीस की मदद से, अब देख सकते हैं। इसका पिन है ग्रीस लगा। अब देख सकते हैं बूश, इसे लॉक करेंगे। इसका स्प्रिंग, बाबा ने इस तरीके से आपको मेन जो क्लच का फिंगर है वो सेट करना है। देखिए दोस्तों, ये है PTO फिंगर, आप देख सकते हैं तीन स्प्रिंग तीन फिंगर, इसको हम सेट करेंगे अभी। इसको भी हल्का ग्रीस लगा लेंगे इस तरीके से। Thank you.
टेप मार आंसर दिमाग पर गेस। देखिए दोस्तों मैंने फिंगर बैठा दिए हैं, अभी इसका जो स्प्रिंग है नीचे से कुछ इस तरीके से फिटिंग करना है आपको। देखिए दोस्तों इसका फिंगर का मेन फिंगर का जो बोल्ट है 17 नंबर और ऊपर में 13 नंबर नट से उसको कसा रहता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका जो बोल्ट है 3 बोल्ट है। जैसे पीटीओ फिंगर का जो लॉक है आप देख सकते हैं, एक लॉक वॉशर लॉक स्प्रिंग लॉक स्प्रिंग अभी ये बोल्ट 14 नंबर 3 ठू। अभी इसका जो प्रेशर प्लेट है आप देख सकते हैं प्रेशर प्लेट, इसको सेट कर लेंगे प्रेशर प्लेट को। टूल दिखा भी नहीं था ये। देखिए दोस्तों ये गैस के मदद से मैंने 2.5 इंची इसको रखा है, 2.5 इंची रखने से जो पीटो जो क्लच है वो काम कर लेगा। अभी जो मेन क्लच है उसका सेटिंग अलग है, 1 इंची रखना है उसका सेटिंग। बोल दो देख सकते हो दोस्तों इसका जो मेन क्लच का फिंग सेटिंग है 1 इंच बराबर रखना है आपको, आप देख सकते हैं। अभी जो रिलीज बेयरिंग आप देख सकते हैं, जो बेयरिंग रिलीज बेयरिंग सेट करने के बाद ही आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने हालांकि पूरा गाड़ी को सेट कर लिए हैं, इसका अब जो देख सकते हैं जो रिलीज बेयरिंग है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी गाड़ी को क्या है हम जोड़ेंगे आपस में, जोड़ के आपको चला के दिखाएंगे किस तरीके से क्लच में काम करता है। देखिए दोस्तों हालांकि मैंने गाड़ी को फिटिंग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गया है, अभी आपके सामने इसको चला के दिखाएंगे किस तरीके से क्लच काम कर रहा है। चलो देखिए उधर जो प्लेट है किस तरीके से काम कर रहा है। अरे गाड़ी आगे पीछे चला के दिखाएगा आपके सामने, देख सकते हैं हो गया गाड़ी कंप्लीट, देख सकते हैं क्लच सही हो चुका है, गाड़ी का वीडियो क्लच भी सही कर दिया है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। देख सकते हैं दोस्त गाड़ी बन गया है, धान गिरना ये गाड़ी को मैंने थावल की और पाइप की मदद से खोला था, आप देख सकते हैं गाड़ी पूरा सेट हो गया है।
दो पाइप की मदद से खोलना पड़ता है गाड़ी, पूरी तरीके से सही हो चुका है गाड़ी।